1+1. Now we have this kimbab. Just like what Shivani said. Hey guys, welcome to another vlog. In today's video, we are going to explore Insadong Street. अभी यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी अभी भी हो रही है. अब देखते हैं कितनी शॉप्स ओपन है और शॉप्स में क्या क्या है. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू ट्राई सम फूड. प्रेस में चलते हैं. ये आई थिंक कोई मॉल है. यहाँ पे ना मैंने सुना है बहुत सारे कैफेज हैं एंड वो जो बहुत पॉपुलर पूप कैफे है वो भी शायद इसी मॉल में है. यहाँ पे ये कैरिकेचर्स बना रहे हैं. ये बहुत सुंदर सा सीटिंग एरिया है, उनको मन कर रहे हैं बैठने का. ये जो साइड वाली स्टॉल है ना, इसमें कोरियन स्नैक्स मिल रहे हैं, हम हमेशा लेते हैं यहाँ से. ये देखो यार, यहाँ पे ना फ्यूचर वाला कुछ कुछ लिखा होता है, जैसे फॉर्चून कुकी होती है ना, ऐसे इसमें बॉल रखी होती हैं, उनको तोड़ के उसमें तुम्हारा कुछ कुछ लिख के बताया होता है फ्यूचर. तो उसके लाइक 1000 won होते हैं. बहुत सारी मशीन लगी हुई हैं यहाँ पे. तो ये वाली मैंने ज़्यादातर कपल्स को ही देखा है यहाँ पे. भाई फिर बारिश तेज़ हो गई, चल अंदर चलते हैं. क्योंकि मॉल टाइप वी हैव जस्ट फाउंड समथिंग वीगन टू ईट. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और अभी तक हमें कोई भी वीगन रेस्टोरेंट मिला नहीं है, बट हमें GS25 मिला है, आर ओन सेवियर कन्वीनियंट स्टोर. और पहली बार किसी ने हमें कुछ कन्वीनियंट स्टोर में वीगन चीज़ खाने के लिए दिखाई है. सो लेट्स सी क्या है और खा के देखते कैसी लगती है. फाइनली पहली कोरियन डिश. मैं हमें ये मिला यार, फाइनली हमें मिला है. इसलिए बोलते हैं इसे किम्बाब नहीं. हाँ, बहुत सारी आइसक्रीम मिल रही है, जल्दी से आइसक्रीम मिल रही है. आई थिंक ये वाली लेते हैं, एक के साथ एक ऑफ भी है और थोड़ी दोनों अलग अलग तरीके की हो जाएगी. मैंने सुना है ये जो कोन है ना, ये कॉर्न वाला सा, ये जंक का बहुत फेवरेट है. आई एम नॉट श्योर ये है कि नहीं. हमें कुछ मिला है, देखते हैं इसमें कुछ वेजिटेरियन हुआ तो. दीज आर मांडू. ये हम घर जाके गर्म करके खा सकते हैं. क्या है इसमें बैन? बहुत सारा कुछ है. पोक है, रहने दे फिर. चल बीफ भी है, रहने दे, कुछ और देखते हैं. 1+1 बीफ टू. Let's go. Look what we found. Rest in nature. दुनिया की सबसे aesthetic shop जो मैंने अभी तक देखी है. This is so beautiful. सब कुछ इतना सुंदर है. बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है guys, तो मैंने सोचा है कि हम लोग जो खरीद के लाए हैं अपना स्नैक्स वो खा लेते हैं. आ जाओ. Excuse me, what is this called? What is this called? Samgimbap, paja? Ego? Samgak kimbap. Yes. Okay, samgimbap. So we have these two ice creams. ये है एक कोन जो पता नहीं कौन से फ्लेवर का है. एंड देन ये है, मेरे को लग रहा है जो हमारे यहाँ पे सैंडविच आइसक्रीम मिलते हैं वो है. और जल्दी से हम खा रहे थे, पिघलने वाले हैं. It's not vanilla. लग रही है ना देखने में, but it's not even butterscotch. What it is? I don't know. बहुत ही अलग फ्लेवर है. Just like what Shivani said. अच्छी है, पर मेरे को समझ आ रहा कौन सा फ्लेवर है. ये लोटे की है, लोटे चौको पाई जाती है. ये भी तभी साथ में वो है, ऑफर था 1+1. हम 1+1 ही देते हैं. सेड भाई सैंडविच वाली आइसक्रीम है जो कि बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई है. दिखा तो दे शक्ल. माशाल्लाह, ये मेरे को कोल्सलो टाइप सैंडविच की ब्रेड की लग रही है. ऐसी तो होनी नहीं चाहिए थी ना. आई होप सब सही हुए. आई मीन आइसक्रीम में तो क्या ही होगा. हमने ब्रेड का भी यही सोचा था. फॉर श्योर एग है इसमें. Now we have this kimbab. इसको खोलने का एक स्पेशल तरीका होता है मैंने सुना है ऐसा. तो फिर ये टूटता नहीं है.
जो कि आई थिंक इसको पुल करना है एंड आई होप आई विल बी सक्सेसफुल इन इट ऑलमोस्ट देयर. ओह माय गॉड विल इट हैपन और विल इट नॉट, विल इट ब्रेक, व्हाट्स गोइंग टू हैपन. थोड़ी सी हटा के फिलिंग दिखा. फिलिंग चावल. मम्मी पापा से बात कर रहे हैं लोग. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मम्मी पापा का कॉल आ गया था बीच में, तो अब मैं ये ट्राई करेंगे. बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी. भगवान प्लीज. राइस है, स्टिकी राइस, उसके अंदर सोयाबीन की फिलिंग है. हमने बिबिम्बाप खाया था उसके जैसे ही महक है. इसके अंदर सेसमे भी है और सी वीड है. अच्छा है. मुद्दे की बात, मुद्दे की बात पता है. वेजिटेरियन है, टेस्टी भी है. अच्छा चलो फिर ठीक है. मुझे भी खाने मिल नहीं छोड़ेगी क्या? तो सारा तो है. तो फिर भी नुकसान नहीं होना चाहिए. बड़ी मुश्किल से एक चीज मिली है. डरा रही है भाई. सही आई है. पक्का? हाँ पक्का. अरे हाँ ना, उसमें पढ़ लिया है. अनपढ़ है क्या यार ये लड़की? हद हो गई. चलो हम खा रहे हैं और थोड़ा देखते हैं फिर बाद में क्या. अच्छा क्या है? हाँ अच्छा है, टेस्टी है. मतलब मेरे को ये लग रहा था. यम्मी. नहीं माशिता. यार वो नीचे जो इवेंट हो रहा था आई थिंक वो ख़त्म हो गया. बहुत ही कूल सा मॉल नहीं है ये, जिसमें सर्कल सर्कल सा पैटर्न बना हुआ है. इससे बहुत ही मस्त लगता है ये. आई विश खुला होता सब कुछ. यार यहाँ पे ना वो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, एक लिटिल इंडिया करके रेस्टोरेंट है और एक और भी देखा था मैंने. तो हम लोग किस दिन आके यहाँ पे खाएंगे. ओ यहाँ पे बिंगसू मिल रहा है, बिंगसू भी खाएंगे. हेलो फ्रेंड्स, कपड़े ले लो. हेलो फ्रेंड्स, सोवीनियर ले लो. इस सारी शॉप पे ना बहुत सारे सोवीनियर्स मिल रहे हैं. सो तुम फ़ैन ले सकते हो, मैग्नेट होते ना फ्रिज मैग्नेट, और चॉपस्टिक्स, बहुत कुछ है. सो नाउ वी आर एट बर्गर किंग. हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस. एक्चुअली हमें पूरा ही मेन्यू अलग है, ऑब्वियसली इंडिया से बिल्कुल अलग है. अभी तो हमने एक ड्रिंक और एक चीज़ स्टिक ही ली है. मेरे को लगा था उसमें बहुत सारी होगी पर एक ही मिलेगी, वो बोल रही है. मोस्टली हर जगह पे फॉरेक्स कार्ड चल जाता है. यहाँ पे तुम्हें ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस करना होता है, वहाँ पे जाके नहीं, वहाँ से सिर्फ पिकअप करना होता है. सो पेमेंट सारी यहीं पे होगी. फाइनली यार ऑर्डर इज डन, लेट्स गो. यार आज का दिन थोड़ा हमारा वेस्ट सा हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी, सुबह से टाइफून का अलर्ट भी था, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए. पर चलो कुछ अच्छा खा लिया, वही काफ़ी है. सो वी गॉट अ चीज़ स्टिक. इसमें स्ट्रिंग चीज़ डली हुई है. यहाँ पे ना स्ट्रिंग चीज़ वाली बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे हॉट डॉग होता है उसमें भी स्ट्रिंग चीज़ डलती है. और मैंने ना ये हॉट सॉस भी ली थी क्योंकि हॉट सॉस के बिना अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली ये चीज़ वाली कोई भी चीज़, फीका फीका लगता है. साथ में मैंने ये लीची वाला ड्रिंक लिया था जो कि कुछ खास फ्लेवरफुल था नहीं वैसे तो, पर ठीक है चलो. पानी जैसा था. हाँ पानी जैसा था.